इस तरह दिल्ली वालों ने दिल्ली में एक मजबूत सरकारी तालीमी सिस्टम को डेवलप किया है, खड़ा हुआ है। इसी तरह यहां पर भी डेवलप करने की जरूरत है। जिस तरह दिल्ली में मतलब एक मजबूत तालीमी निजाम है, मजबूत तालीमी, अब प्राइवेट स्कूलों में वहां बच्चे नहीं जाते हैं, वो सब सारे के सारे सरकारी इदारों में। इसी तरह सरकार को भी, अवाम को भी, उस्तादों को भी उसी लेवल पर सोचना चाहिए कि ये जो हम पर एतमाद है ये बहाल रहना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए ये एतमाद, तब जाकर हम कामयाब हैं। तीन चीज़ें हैं, शामिल हैं, एक तो ऊपर बैठे हमारे गवर्नमेंट सरकार, दूसरा उस्ताद, तीसरे बच्चे और उनके पेरेंट्स। इन चारों लोगों को इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार को ये देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, स्कूलों में अच्छा चल रहा है। टीचर को ये देखना है कि वो कैपेबल है तालीम देने के हवाले से, वो कितना काम उसे लिया जा रहा है, कितना काम वो करेगा। बच्चे को स्कूल के साथ इन्वॉल्व रखना है और पेरेंट्स का ये काम है, सोसाइटी का ये काम है कि स्कूलों पर खुसूसन सरकारी इदारों के साथ अपनी वाबस्तगी बढ़ाए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप प्राइवेट स्कूलों में महंगी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीस दें, और तो लोगों के इक्तसादी हालात उस लेवल के नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम उड़ी में हैं और हमारे साथ आज की इस मुलाकात के प्रोग्राम में प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी मुश्ताक तबस्सुम साहब प्रिंसिपल है बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी के, जिन्होंने यहाँ तकरीबन दो साल से लगातार ढाई साल से काम किया है, या ढाई साल से काम किया है। एक सिनेरियो इन्होंने यहाँ बनाया है डेवलपमेंट का, बच्चों की तालीम का, चार चांद लगाई है यहाँ पे इस स्कूल में। यहाँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्कूल में रोल बहुत बड़ा है स्कूल में। इनके आने से यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट जो तालीम उधर इधर हासिल कर रहे थे, उन्होंने इस स्कूल में एडमिशन लिया है। इनके आने की ये कोशिश है, और यहाँ जो एजुकेशन इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है बच्चों को, वो काबिल दीद है, काबिल दाद है और काबिल तहसीन है। और ख़ासकर डेवलपमेंट के हवाले से जो इन्होंने बनाई है यहाँ स्कूल में, डेवलपमेंट जो स्कूल में इन्होंने की है, जो इस पे इन्होंने पैसा लगाया है, वो बहुत काबिल दाद है। तो आज मुश्ताक साहब से हम यही जानना चाहेंगे कि मुश्ताक साहब, आप यहाँ उड़ी में दो ढाई साल से काम कर रहे हैं और आप एक माहौल यहाँ पे तालीमी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे हम, आपके आने से पहले अगर थोड़ी बहुत आप जानकारी देंगे कि यहाँ की क्या हालत थी, तालीमी हालत इस इदारे की क्या थी। देखिए गुलाम हसन साहब, मैं आपका मशहूर हूँ कि आप उड़ी में आए, यहाँ हमारे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात करने के हवाले से यहाँ पर पहुँचे। तो जहाँ तक उड़ी में एजुकेशन का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त हम बहुत इत्मीनान बख्श तरीके से चल रहे हैं। मेरे साथ जाडियो साहब भी मौजूद है, तो हमारा बड़ा एक अच्छा यहाँ पर एजुकेशन का माहौल बन रहा है। जब मैं यहाँ आया था, आपने बात की यहाँ मेरे से पहले की, जब मैं यहाँ आया तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से, चूँकि 2019-2020 कोविड या जो सिचुएशन बनी हुई थी, तो वो सब के बारे में आपको जानकारी है कि स्कूलों का निज़ाम बहुत हद तक दो सालों में मतलब तितर बितर हो गया था। हमने सारा थ्रस्ट ऑनलाइन एजुकेशन की कम्युनिटी क्लासेस पर लगाया हुआ था, तो स्कूलों में दर्स तदरीस का निज़ाम 2019-2020 में बहुत हद तक मुतासिर ही रहा। लेकिन जब हमने यहाँ पर ज्वाइन किया तो उस वक्त हमने सबसे पहले, स्कूल बंद थे, कोविड चल रहा था, तो सबसे पहले हमने यहाँ उड़ी से ही कम्युनिटी क्लासेस का की शुरुआत कर ली।
हमने सलामाबाद में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी की तरफ से अपने बच्चों के लिए पहली दफ़ा मतलब कम्युनिटी क्लास शुरू हो गया। उसके बाद मैं ये कहूँगा, उसके बाद मतलब रियासत के दीगर स्कूलों में कम्युनिटी क्लासेस की शुरुआत बाज़ाब्ता तौर पर आड़ रहा है, लेकिन हमने इसमें पहल की थी, पहले ही पहल की थी। इसके अलावा हमारे टीचर जो थे, हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करे। शुक्र है इलाका के बहुत हद तक उससे रिजल्ट्स में फ़र्क आ गया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ गए। जहाँ तक रोल का ताल्लुक है, तो जब मैं यहाँ पर आया तो 300-350 के करीब यहाँ पर रोल था उस वक्त, यहाँ एनरोलमेंट था बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी में। लेकिन अल्लाह के शुक्र है कि हमने थोड़ा आवाम का एतमाद जीतने की कोशिश की, आवाम का एतमाद हासिल करने की कोशिश की, तो हम लास्ट ईयर मतलब हम 610 तक हमने रोल लाया। इस साल हमारा रोल है मतलब लगभग प्रोविजनल एडमिशन्स को साथ लेकर उनके हवाले से भी इस वक्त जो रोल बनता है हमारा, वो लगभग 650 के करीब, 650 से ऊपर रोल हो रहा है। अभी भी बच्चे आ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम्स, प्राइवेट एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आइंदा रोल बढ़ता ही चला जाएगा, और सरकारी स्कूलों पर जो एतमाद आवाम का होना चाहिए उसमें हम कोशिश कर रहे हैं इजाफा करने के। हमने इस स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़, न सिर्फ क्लासेस का एकेडमिक्स को अच्छा करने की कोशिश की है, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे वो फिट इंडिया के तहत आती है हमें डिपार्टमेंट की तरफ से या MHRD की तरफ से आती है, जो हम एक्टिविटीज़ जिनका करने का हमें कैलेंडर मिलता है, उन सब को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कि बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम भी हमने यहाँ मुनक़द किए। गुज़श्ता दिनों ही आपने देखा कि हमने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में स्कूल लेवल पर एक बहुत बड़ी साइंस नुमाइश का इनेकाद किया था, जिसमें बहुत से स्कूलों ने हिस्सा लिया, 30 के करीब उसमें मॉडल्स आए थे। बच्चों को नई तरीके से सोचने का मौका मिल रहा है, उनके आइडियाज़ वो अपने आइडियाज़ मॉडल्स के हवाले से शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक मॉरल एजुकेशन का ताल्लुक है, तो उसके हवाले से भी हम कभी कभी यहाँ उलमाए दीन को बुलाते हैं, यहाँ हमारे मुफ्ती शबीर साहब हैं, उड़ी के बड़े मुफ्ती हैं, कई बार हमने उनको बुलाया यहाँ पर स्कूल में। हमारे असातिज़ा भी खुद प्रेयर पर सुबह सवेरे मॉर्निंग असम्बली में मॉरल एजुकेशन के हवाले से बच्चों को लेसन्स देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक खेल कूद का ताल्लुक है, तो खेल कूद के हवाले से भी हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। उड़ी में हालांकि फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है खेल कूद के हवाले से, आप जैसे देखते हैं कि यहाँ पर ये स्कूल के साथ ही हमारा ग्राउंड है, ये कॉमन ग्राउंड है, स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर आता है, सारे लगभग ओडी के स्कूलों के बच्चे इधर आते हैं खेलने के लिए। हमारे बच्चों को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही टाइम मिलता है ग्राउंड में, सुबह शाम दिन को भी खेलने का हम कोशिश कर रहे हैं उस टेम्पर को भी डेवलप करने की। जहाँ तक आपने वोकेशनल एजुकेशन की बात की, तो वोकेशनल एजुकेशन के तहत हमारे स्कूल में 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक हमारा हेल्थ एजुकेशन का कोर्स चल रहा है, दूसरा हमारा IT का कोर्स चल रहा है। IT के कोर्स में भी लगभग हमारे 100 के करीब बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, जिनको हम कंप्यूटर भी सिखा रहे हैं, IT की अच्छी तालीम भी दे रहे हैं। यानी यहाँ से निकलकर वो TDC में आसानी से बाहर जाकर वो कोई काम कर सकते हैं, उतना उन्होंने सीखा होता है IT के सेक्टर में कंप्यूटर के। इसके साथ हम छोटे मोटे डॉक्टर भी बनाते हैं यहाँ ओडी में। हमारे स्कूल में ये सुविधा अवेलेबल है कि यहाँ हेल्थ एजुकेशन का कोर्स हमारे यहाँ, उसमें भी इस साल लगभग, लास्ट ईयर भी 40-50 बच्चे थे, इस साल में भी हमारे पास लगभग 70 के करीब बच्चे उस कोर्स में पढ़ रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के हवाले से। उनको फर्स्ट एड या जो छोटे छोटे मामलात है हेल्थ एजुकेशन के हवाले से, उन सब के बारे में उनको यहाँ पर जानकारी मिलती है, और अच्छा खासा उनको मेडिकल का कोर्स अच्छा खासा वो करते हैं। यानी आसानी के साथ वो अपनी ज़रूरियात या अपनी लोकलिटी के ज़रूरियात को मतलब पूरा कर सकते हैं। उसमें हमारे SDM साहब ने भी, यहाँ पर हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने भी, और हमारे BMO साहब ने भी, मतलब जो हमारे यहाँ पर हेल्थ एजुकेटर है डॉक्टर आबिद, MSc वो PhD कर रहे हैं नर्सिंग में, वही पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, उसकी सलाहियत से मतलब फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर
दूसरे मतलब डिपार्टमेंटों के साथ मिलकर उस इस हेल्थ एजुकेशन से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मुश्ताक साहब, नाजरीन मुश्ताक साहब ने जिस इतमाद के साथ उड़ी के इस बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में काम किया है और 300 या 350 का जो रोल यहाँ पे बच्चों का था वो बढ़ाकर इन्होंने 650 करके एक दो इलाके में नाम कमाया है और लाज स्कूल की लाज भी रखी है। और कौन कहता है कि सरकारी जो उस्ताद होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो ड्यूटियों पर नहीं आते हैं, वो बच्चों को सिखाते नहीं हैं, वो बच्चों को मॉरल एजुकेशन नहीं देते हैं, वो बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन नहीं देते हैं, वो बच्चों को सपोर्ट्स नहीं सपोर्ट्स वगैरह का प्रोग्राम या एनवायरनमेंट का प्रोग्राम नहीं देते हैं। ये मुश्ताक साहब है जो हमारे सामने हैं, इन्होंने जो काम यहाँ पर किया है ये काबिल तकलीद है। दूसरे जो इदारे सरकारी इदारे एजुकेशन में तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं उनको यहाँ से कुछ सबक लेना चाहिए। और जैसे मुश्ताक साहब अपने यहाँ उड़ी में काम करके एक कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है और एक बहुत बड़ा नाम यहाँ इनका है पूरे तहसील उड़ी में, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल इस वक्त मुझे लगता है रोल मॉडल है, पूरे कश्मीर डिवीज़न का रोल मॉडल है। अगर बाकी उस्ताद भी असातिज़ाद भी इसी तरह से इन्हीं का जो प्रोग्राम है कुछ हाथ थामेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि हम महकमे तालीम की मुखालफत करें या महकमे तालीम में ऐसा हम कहें कि इसमें काबिल उस्ताद नहीं है। अच्छा मुश्ताक साहब, एक चीज़ तो आपने बता दी है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी आप यहाँ दे रहे हैं, मॉरल एजुकेशन भी आप यहाँ पे दे रहे हैं, एनवायरमेंटल डेज भी आप यहाँ पे मना रहे हैं, मगर एक बात मुझे लगता है जिसकी कमी है, जो नहीं हो रही है, जिस जो बात नहीं हो रही है, जैसे कि हम ड्रग एब्यूज़ की बात कर रहे हैं, ड्रग्स है, छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और नतीजा ये निकलता है कोई सुसाइड करता है, कोई ड्रग्स कंज्यूम ज़्यादा करके तो हार्ट अटैक उसका हो जाता है, या कोई ऐसी बाज़ार में या मार्केट में या घर में अंदर बाहर ऐसी हरकतें कर रहा है कि सोसाइटी में या समाज में उसको बुरी नज़र से देखा जा रहा है। इस पर बात नहीं हो रही है, इसका काज क्या है, इसका रूट कहाँ पर है? मुझे लगता है करप्शन पहले आप सुनिए मुश्ताक, मुझे लगता है करप्शन है जो मेन काज है, जो मेन रूट है इस ड्रग एब्यूजिंग का। अगर करप्शन ना होता, ये सिंसियरिटी होती इसमें, नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया का अडॉप्ट होना जो बहुत ज़रूरी है ये होते यहाँ पे, तो जब अब करप्शन की जब रोकथाम होती तो ये ड्रग्स कंज्यूम नहीं होते, ड्रग एब्यूज़ नहीं होता हो सकता है। बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है या पीएचडी है या डॉक्टर है, सुसाइड नहीं करते, वो गलत राहों पर नहीं लगते, आपकी क्या राय है? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। ड्रग एब्यूज़ का ताल्लुक जहाँ तक है, ड्रग एडिक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ये हमारे माशरे में अभी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं उड़ी की बात करूँगा, मतलब मैं अपने इदारे की बात करूँगा, यहाँ पर हमारे एसडीपीओ साहब है, एसएसपी साहब है बारामूला से, या डीसी मैम है, या हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने बार बार उन्होंने मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद कराए ड्रग एडिक्शन के हवाले से। हमने भी अपने स्कूल में, जरियो साहब ने भी इनमें शिरकत की, बाकी लोगों ने भी शिरकत की, अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर कराए। तो हम किसी हद तक, मैं ये दावा करूँगा पूरा 100% तो नहीं, लेकिन मैं 90% से अबव दावा करूँगा कि उड़ी के जो नौजवान है, पर्टिकुलरली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमारा यह है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे जो हमारे हैं उनको मसरूफ़ रखा जाए किसी न किसी काम के, चाहे पढ़ाई के हवाले से, चाहे खेल के हवाले से, चाहे दीगर चीज़ों मॉरल एजुकेशन के हवाले से, हर तरीके से हम इनको इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अभी तक हम कामयाब हुए हैं। मैं एक बात की आपको गुलाम हसन साहब आजाद करता हूं कि मैं रोज़ाना 140 किलोमीटर में सफ़र करता हूं और इस इदारे में बहुत दूर से आता हूं तालीम के हवाले से। यहां उड़ी पर मुझे अपने स्टाफ का
यहाँ के लोगों का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, हमें जितना ताउन मिलता है वो सब मतलब अपने आप में एक मिसाल है। हम जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो हर कोई सामने आ जाता है, काम के हवाले से हमें ताउन देता है और हमें बता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उड़ी के एजुकेशन सिस्टम की, मैं बता दूँगा कि स्टाफ की यहाँ पर बहुत कमी है, यहाँ उस्ताद अवेलेबल नहीं है तालीमी मैदान में, उसकी यहाँ पर मतलब पहले से ही शार्टेज है टीचर्स की। अब हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने इस साल एक बहुत अच्छा कदम उठाया था ATD का, मतलब एनुअल ट्रांसफर ड्राइव का, लेकिन उस अच्छे कदम से भी उड़ी और इस जैसे दूर दराज के इलाके मुतासर हो गए, क्योंकि यहाँ से जो टीचर यहाँ पर स्कूल में थे वो यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र के लिए दरख्वास्त दी और वहाँ से कोई आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। मैं आपसे मतलब यह इस इदारे का, हमारे पास पहले ही 5 पोस्ट्स वैकेंट है, अभी ट्रांसफ़र हो गए हैं, 4 और ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, 9-13 में से हमें इस वक्त 9 पोस्ट्स वैकेंट है। अब हम टीचरों से मदद ले रहे हैं, इधर गर्ल्स हायर सेकेंडरी से हमने 1-2 टीचरों को बुला रहे हैं इस कमी को दूर करने के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज है ओडी में स्टाफ के हवाले से, यहाँ पे असातिजा अवेलेबल नहीं है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल नहीं। अगर ये सब सुविधाएँ हमें यहाँ पर होती तो यहाँ इस दूर दराज के इलाके में बहुत मतलब इलम के हवाले से बहुत तरक्की हो जाती। एक चीज़ मैं आपको मतलब आपके जहन नशीन कराना चाहता हूँ गुलाम हसन साहब, वो ये है कि यहाँ 15 किलोमीटर पैदल चलकर आज भी बच्चे आ रहे हैं इस स्कूल में, 15-15 किलोमीटर पैदल चलकर 10-10 किलोमीटर सुखदार से ऊपर से दूर दूर दराज इलाकों से यहाँ बच्चे पैदल आते हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, किराया नहीं होता है, बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं यहाँ इस इदारे में पढ़, और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनको बेहतर से बेहतर तालीम देने की कोशिश करें। मेरे असातिज़ा भी बड़े डेडिकेटेड है, खामियां तो हर जगह मौजूद हैं, मेरे इदारे में भी खामियां, मैं इसका दावा नहीं करूंगा कि हम 100% इस मामले में कामयाब हैं, खामियां तो खामियां हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं टीचरों में भी असातिज़ा में भी खुदा का खौफ पैदा करने की। यहाँ पर जो हमने सबसे बड़ा काम किया है गुज़श्ता 2 सालों में कि इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बहुत अच्छा डेवलप किया है। अभी आप देखें यहाँ पर हमने लैब्स भी अच्छी बनाई है, यहाँ पर ये गैलरीज भी अच्छी बनाई है, यहाँ पर मुख्तलिफ ICT लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, रीडिंग रूम भी है, हर एक चीज़ अच्छे से बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों का यहाँ मन लगे और बच्चे यहाँ आए अच्छी तरह से इत्मीनान से पढ़ें। लेकिन जिस चीज़ का सरकारी स्कूलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के तहीं उतना ध्यान नहीं है जितना प्राइवेट लेवल पर होता है। आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल इदारों में पेरेंट्स स्कूलों के बाहर दिन में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ हमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आते हैं हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पहुँचे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हैं। वो जैसे हमें दरवाजे पर हवाले करते हैं, घर से हवाले करते हैं, बच्चा क्या करे क्या ना करे ये सारा उस्ताद के सर होता है। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है पेरेंट्स के हवाले। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स आए और स्कूलों के तालीमी सिस्टम में सुधार में इसको बनाने में अपना रोल अदा करें, अकाउंटेबल बनाए टीचर्स उनको भी। बाकी मैं जहाँ तक मैं मुझे यहाँ लगा 2-2.5 साल काम करते हुए तो अपनी महकमे तालीम की तरफ डायरेक्टर साहब भी यहाँ आए, CO साहब अक्सर बेशतर यहाँ आते हैं, बहुत सारे अफसर साहिबान यहाँ आते, SDM साहब यहाँ आते रहते, SDPO साहब यहाँ आते रहते, तमाम इदारे जो भी सरकार के हैं उन सब की ये मिल बैठ कर कोशिश है कि इस इदारे का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इस वक्त एक लेवल पर ये इदारा पहुँच चुका है, अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत हमारी कोशिश रहेगी। अगर ये स्टाफ का मसला हल हो जाएगा तो इंशाल्लाह तआला बच्चों को रिज़ल्ट भी अच्छे आ जाएंगे। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो कल को बता देंगे आपके रिजल्ट क्या है, तो टीचर ही तो रिजल्ट बनाते हैं, जब वो है नहीं तो उसमें तो प्रॉब्लम कई कई खामी रह जाती है। इंशाल्लाह ताला आइंदा कुछ मंसूबे आ रहे हैं, एक बिल्डिंग और भी आ रही है, फेंसिंग भी हो रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही है। अच्छा एक अहम चीज़ मैं आपसे तذکرہ करूँ, हमारा स्टेट में सबसे वाइब्रेंट NCC यूनिट है इस स्कूल का, जिन्होंने नेशनल लेवल के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया,
जिनका मतलब हर जगह जिनका अच्छा रेपुटेशन है, एनसीसी यूनिट का जो बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल उड़ी का, यहाँ पर सीनियर भी है और जूनियर भी है, दोनों मतलब यूनिट हमें हमारे अच्छे काम करते हैं, तमाम जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल लेवल के यहाँ पर तो उनमें हिस्सा लेते हैं। तो इसके अलावा हमने कोविड में भी अच्छा रोल किया है, हर एक बच्चे की वैक्सीनेशन हमने करा दी, यहाँ पर हमने मार्केट में मुहिम चला दी, तमाम चाहे एनवायरमेंट डे हो, ड्रग डिटेक्शन डे हो, सपोर्ट्स डे हो, साइनस का हो, यहाँ अच्छा इतना ही नहीं सिविल सोसाइटी जो यहाँ के हैं, यहाँ के पोइट्स दानिश्वर शायर उनके भी गाहे प्रोग्राम यहाँ पर हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पर एक बड़ी पहाड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, गुजर हैं, पहाड़ी हैं, कश्मीरी हैं, सब मिलजुल कर हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, यहाँ पर एक सेकुलर माहौल बना हुआ है और हम भी उस माहौल को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज यहाँ पर आकर हमारी ये कह दें कि हौसला अफजाई की इस इदारे के उस्तादों के बच्चों की। तो यहाँ पर मेरे साथ झड़ियो साहब भी बैठे हुए हैं, तो ये आपको मजीद सिनेरियो के यहाँ के जो एजुकेशन सिनेरियो, यहाँ पर हमारे यहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी भी है, नामला में भी हायर सेकेंडरी है, इस्लामाबाद में हायर सेकेंडरी से अल्लाह के फजल करम से सब अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सुल्तान रिकी में हमारा एक बहुत बड़ा एजुकेशन इदारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बोनियार में भी है, सब डिवीजन ओडी में मतलब एजुकेशन की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। लेकिन सिर्फ एक ही मसला है, वो है हर जगह स्टाफ का मसला है, स्टाफ में हमें मतलब दिक्कत आ जाती है, यहाँ पर टीचर्स बहुत कम हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स नहीं मिलते हैं। तो उस सिलसिले में हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाए। जी मुश्ताक साहब, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। मुझे लगता है हर जगह जो प्रॉब्लम आपने डिस्कस की है, स्पेशलिस्ट नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स नहीं है, मुझे लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो हर जगह फेस कर रहे हैं। स्कूल सरकार जो बेसिक ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ये अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स नहीं होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी महकमा एजुकेशन पर है। इस सिलसिले में प्रोग्राम हो रहा है नेशनल मतलब सेक्रेटरी लेवल पर, डायरेक्शन लेवल पर, डायरेक्टर साहब की लेवल पर वो कोशिश कर रहे हैं, आइंदा मतलब हफ्ते में 10 दिन में कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स को प्रमोशन देने की, ताकि प्रमोशन उसके कोटे में या दीगर कोटों में मतलब टीचर्स को इन इलाकों में भी भेजे। हमने उनके साथ भी बात की है, उन्होंने उम्मीद दिलाई कि दूर दराज इलाकों का मतलब जो ट्रांसफर उसका सिस्टम चल रहा है उसमें इनका ख्याल रखा जाएगा। यहाँ से लोग जाते हैं, वहाँ से वापस नहीं आते हैं, ये मसला है मतलब इन जगहों पर का। यानी सरकार को पूरी तरह से इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और आजकल जो वर्ल्ड वाइड जो एजुकेशन माहौल बना है उस पर हमने कंपेयर करना है, बिल्कुल उसके साथ मुकाबला करना है। अगर मुकाबला करना है तो हमें टीचर्स भी चाहिए, हमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स चाहिए। तो लिहाजा सरकार को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस तरह पूरी से पूरा ध्यान देना है, और यहाँ पे टीचर्स भेजने हैं हर जगह जहाँ पे स्कूलों का ये मसला है वहाँ पे टीचर्स भेजने चाहिए। आपको पता होगा यहाँ पे गरीब लोग हैं। गुलाम हसन साहब, मैं आपको बता दूँ कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें आजकल मतलब हर सतह पर जड़ियों साहब के लिए अभी ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से आ जाए, टीचर्स को मतलब उनकी कैपेसिटी डेवलप की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मॉडर्न जो तरीके हैं टेक्निक्स है उनके साथ हम अहम करने की कोशिश की जाती है टीचर्स को, डाइट की सतह पर, मुख्तलिफ SERT की सतह पर या स्कूल सतह पर, हम अपने लेवल पर भी टीचर की कैपेसिटी को डेवलप करने की कोशिश हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा हर एक टीचर कंप्यूटर से वाकफ हो, कंप्यूटर चलाना सीख लें, टेक्निकल जो हमारे मतलब सपोर्ट्स हैं उनको काम में लाकर बच्चों को तालीम दें। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह से हो जाए, हम भी लगे हुए हैं अपनी तरफ से।
बाकी अल्लाह का भी सपोर्ट होना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुश्ताक साहब पूरी तरह से लगे हैं काम में, स्कूल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, मॉरल एजुकेशन में, ओरिएंटेड जॉब्स स्किल्स में लगे हैं पूरी तरह से। मगर एक बात जो मैंने इनसे पूछी थी कि करप्शन के हवाले से, जैसे हम पेरेंट्स डे मना रहे हैं, एनवायरमेंटल डे मना रहे हैं, और करप्शन के हवाले से हम कोई दिन नहीं मना रहे हैं कि बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसी तालीम दी जाए कि करप्शन क्या है और करप्शन की वजह से क्या देखिए, जहाँ तक मैं इसका जो कॉज है, रूट है, जो मॉरल एजुकेशन की जहाँ पर हमने बात की, तो मॉरल एजुकेशन में तो ये चीज़ भी आता है ना कि इंसान ईमानदाराना जिंदगी गुजारे, इंसान ईमानदारी से जिंदगी। हमारे तो बच्चों को यही शिक्षा है कि ईमानदारी से ही जिंदगी, चाहे कोई डॉक्टर बने, चाहे कोई इंजीनियर बने, वो समाज के लिए फायदेमंद होना चाहिए, न कि नुकसान दे चाहिए। हम सब की ये हमका ये फर्ज है कि जो करप्शन है, जो बेईमानी है, जो धोखाधड़ी है, उन चीज़ों से सोसाइटी में मतलब वो नासूर पैदा हो जाता है, इनसे दूर रह जाए और बच्चों को ये तालीम दी जाए। और बहुत हद तक मैं कहूँगा कि आज की जनरेशन में बहुत हद तक ये चीज़ आ चुकी है कि हमें वो ऑनेस्टी का एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा था। इंशाल्लाह ताला अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, होना है बाकी, तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि अपने आप में भी ये चीज़ पैदा करें, ईमानदारी का कंसेप्ट अपने आप में पैदा। मैं जिस काम में लगा हूँ, मैं जिस चीज़ के लिए तनख्वाह लेता हूँ, उसका मैं अच्छी तरह से पालन करूँ, उसको मैं अच्छी तरह से निभाऊँ, ये मेरा तसव्वुर होना चाहिए। मेरे ही काम को देखकर बाकी लोग भी इसमें आ जाएंगे, तो ये सब हम का आपका भी फर्ज है। इस चीज़ को आप मतलब तालीम दे इस चीज़ की कि हम समाज से करप्शन दूर हो, समाज से बेईमानी दूर हो, समाज से खुदगर्जी, लालच, ये सब चीज़ें समाज से दूर हो। हमारा मज़हब भी तो इन्हीं चीज़ों का सबक दे रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक दिन मतलब बाहर आ जाएगा, ये चीज़ें हासिल हो जाएगी, कोशिश में तो लगे हुए हैं। वस्सलाम। नाज़रीन, ये मुश्ताक साहब हैं, प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ओड़ी। इनका हमने प्रोग्राम में खैर मकदम किया है और इन्होंने जो खरे खरे जवाब दिए हैं, हम इनके बहुत मशहूर हैं और ममनू भी हैं कि कोई डकी छुपी बात नहीं रही है। अगर इंशाल्लाह कुछ पूछना बाकी रहेगा तो इंशाल्लाह अगली मुलाकातों में इनसे उनके जवाब भी लेते रहेंगे। तो मुश्ताक साहब, आपका कोई आखिरी पैगाम एजुकेशन के हवाले से जो बाकी असातिज़ा है या बच्चे हैं या वालिदैन हैं उनको? पैगाम यही है कि ये जो सिस्टम हमारा है एजुकेशन का, इसमें तीन चीज़ें हैं शामिल हैं। एक तो ऊपर बैठे हमारे गवर्नमेंट सरकार, दूसरा उस्ताद, तीसरे बच्चे और उनके पेरेंट्स। इन चारों लोगों को इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार को ये देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, स्कूलों में अच्छा चल रहा है। टीचर को ये देखना है कि वो कैपेबल है तालीम देने के हवाले से, वो कितना काम उसे लिया जा रहा है, कितना काम वो करेगा। बच्चे को स्कूल के साथ इन्वॉल्व रखना है और पेरेंट्स का ये काम है, सोसाइटी का ये काम है कि स्कूलों पर खुसूसन सरकारी इदारों के साथ अपनी वाबस्तगी बढ़ाए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप प्राइवेट स्कूलों में महंगी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फीस दें, और तो लोगों की इकतसादी हालात उस लेवल की नहीं रही है। बेहतर यह है कि जिस तरह दिल्ली वालों ने दिल्ली में एक मजबूत सरकारी तालीमी सिस्टम को डेवलप किया है, खड़ा हुआ, इसी तरह यहाँ पर भी डेवलप करने की जरूरत है। जिस तरह दिल्ली में मतलब एक मजबूत तालीमी निज़ाम है, मजबूत तालीमी, अब प्राइवेट स्कूलों में वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं, वो सब सारे के सारे सरकारी इदारों में। इसी तरह सरकार को भी, अवाम को भी, उस्तादों को भी उसी लेवल पर सोचना चाहिए कि ये जो हम पर एतमाद है ये बहाल रहना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए ये एतमाद, तब जाकर हम कामयाब हैं। तो इतना ही यही पैगाम है कि खुसूसन मैं पेरेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो बच्चे सरकारी स्कूल में डालते हैं तो उनकी तरफ तवज्जा दें, उनके हवाले से अपने उस्तादों से बात करते रहें, उनकी कमजोरियों को भांपें, कहाँ कहाँ उनकी मदद करनी है, उस्ताद को इसके लिए भी उकसाए। उस्तादों से भी गुजारिश है कि वो भी पेरेंट्स के साथ टच में रहें ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर बने। जी नाज़रीन, ये मेरी भी यही गुजारिश है कि एक बेहतरीन और एक मजबूत तालीमी निज़ाम कायम किया जाए जम्मू कश्मीर में, जैसे
मुश्ताक साहब अभी के बात कर रहे थे, दिल्ली की बात कर रहे थे, जहाँ पे एक मजबूत तालीमी निज़ाम कायम हुआ है और बच्चे प्रेफरेंस दे रहे हैं, वालिदैन ये प्रेफर कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ें, तालीम हासिल करें, और इनकी भी यही काविश है, अवसर है इनका, इनको भी मौका यही मिल, यही अपील कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में बेहतरीन है और बेहतर किया जाए, और बेहतर किया जाए, ताकि बच्चे ये न समझे कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा नहीं जा रहा है, और वो प्रेफर ये करे, वालदीन भी यही प्रेफर करे कि वो प्राइवेट स्कूलों के बजाय अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम पाने के लिए भेजें। जी यही हमारा भी पैगाम है, यही इनका भी पैगाम है सर।